हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके? कैसे हो सबके सब? बढ़िया, एकदम मस्ती वस्ती चल रही है भाई, बढ़िया तरीके से सब। मेरा नाम है कुणाल और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पर। और आज हम इस चैनल पर क्यों मिल रहे हैं? आज हम बात करेंगे भाई कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। ठीक है भाई, प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें से एक जो हमारा आज रहने वाला है सीए। सीए के बारे में आज बात करेंगे यार, हाउ टू बिकम अ सीए। देखो भाई, 10th तक का सफर सबका बढ़िया रहा, मैं ये उम्मीद करता हूं। सबने अच्छे तरीके से पेपर दिए हैं भाई, अब सब मस्ती मजाक मस्ती काट रहे हैं बढ़िया तरीके से, रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। स्ट्रीम सब चुनने में कंफ्यूजन हो रही होगी, कईयों को स्ट्रीम मिल चुकी होगी लेकिन चुनने में कंफ्यूजन जरूर रही होगी, आगे का सोचकर कि आगे अपन क्या करेंगे, आगे फ्यूचर में अपन क्या करें। कि स्ट्रीम तो चलो कोई भी ले लेंगे 11th 12th में अभी, लेकिन फ्यूचर में उसके बाद प्रैक्टिकली कौन से प्रोफेशनल कोर्स में जाए, कौन सी डिग्री चूज करें या किस भी डायरेक्शन किस भी फील्ड में जाए। तो आज मैं आपसे बात करने आया हूं भाई इस चैनल पर, इस वीडियो को लेकर, जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई सीए की हमारी जर्नी में क्या क्या हमारे स्टेप्स रहने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमें थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा डिटेल में अपन बात नहीं करेंगे, मोटी मोटी चीजों पर बात करेंगे कि भाई सीए में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कैसे इसका रास्ता है, क्या इसकी जर्नी रहती है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे भाई आज की इस करियर काउंसलिंग वीडियो के अंदर। तो भाई सबसे पहले इसके अंदर अपन समझते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेस क्या होते हैं भाई, क्योंकि सीए क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो पहले प्रोफेशनल कोर्सेज को समझते हैं क्या होता है। आप कॉलेज वॉलेज जाते हो, बहुत सारी डिग्रियां करते हो, ठीक है, तो उस डिग्रीज में एक बहुत ही वैल्यूएबल, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल कोर्स हमारा सीए का रहता है। तो पहले प्रोफेशनल कोर्स को समझते हैं क्या होता है। देखो भाई, प्रोफेशनल कोर्सेज आर द कोर्सेज दैट फोकस मेजरली ऑन प्रिपेयरिंग अ स्टूडेंट फॉर अ प्रोफेशन, जॉब, सर्विस इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री। देखो भाई, जैसे किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, मान लो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, फाइनेंस की इंडस्ट्री है, मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री हो, ठीक है, लॉयर्स हो, फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारे जो हमारे प्रोफेशनल्स रहते हैं, या एक्स वाई जेड, देर आर मेनी, चाहे एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, तो उसका जो प्रोफेशनल कोर्स होता है उसका मतलब यह होता है कि भाई वहां पर आपको इस तरीके से पढ़ाई कराई जाती है प्रैक्टिकली। देखो 12th तक तो आप नॉर्मल चीजें पढ़ते हो, 10th तक तो बिल्कुल बेसिक, 11th 12th में आप इंट्रोडक्शन या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर बेसिक स्टडीज करते हो उस प्रोफेशनल कोर्स के लिए। जैसे कि आपने चाहे कॉमर्स ले ली, चाहे आपने नॉन मेड ले ली, चाहे मेडिकल ले ली, आप जनरल चीजें पढ़ते हो उसके अंदर। लेकिन उसके बाद जब आप प्रोफेशनल कोर्स के अंदर रजिस्टर करवा देते हो तो वहां पर आपको क्या सिखाया जाता है, वो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आपके ऊपर मेजरली फोकस करा जाता है कि आपको, यानी कि स्टूडेंट को इस तरीके से प्रिपेयर कराया जाता है उस जॉब के लिए, उस प्रोफेशन के लिए, या जो भी आपने सर्विस करनी है उसके लिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। तो ये हमारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं और कई तरह के हमारे प्रोफेशनल कोर्स हैं जैसे मैं यहां पर लेकर आया हूं। देखो भाई, प्रोफेशनल कोर्स हमारे कौन कौन से, मैं आपको बता रहा हूं कुछ 4-5 मैंने यहां पे लिए हैं, होते तो बहुत सारे हैं। जैसे कि भाई मान लो एक लॉयर है, लॉयर क्या है भाई, आपके अपनी डिग्री आप करोगे लॉ की, ठीक है, एलएलबी वगैरह आप करोगे, तो लॉयर एक हमारा प्रोफेशनल कोर्स होता है। और रॉयल होता भी कौन है, एक प्रोफेशनल बंदा होता है, ठीक है। वैसे ही हमारा एमबीए होता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आर्किटेक्चर भी एक हमारा प्रोफेशनल कोर्स जैसा होता है, ठीक है, जिसने एमटेक करी है या कोई भी मास्टर्स की डिग्री करी है, तो मास्टर्स के अंदर आपको प्रोफेशनली उसी जॉब के लिए प्रिपेयर करा जाता है यार। और वहीं हमारा एक सबसे खतरनाक, सबसे बढ़िया टॉपिक और सबसे बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स जो है वो है सीए। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब देखो, एक हमारा कोर्स नॉर्मल होता है, बीकॉम होता है जैसे, जिसमें आप क्या करते हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स बन जाते हो और आपको एक अकाउंटेंट का दर्जा मिल जाता है। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, सीए जिसको बोलते हैं, जिससे आपको डिग्री, जिससे आपको एक धब्बा अपने आगे मिल जाता है, एक मार्क आपको मिल जाता है, किसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसकी सिर्फ साइन की ही बहुत वैल्यू है। और इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस,
दो डिफिकल्ट कह सकते हैं, डिफिकल्ट मतलब एक अब कुछ पाने के लिए भाई कुछ चीज सफर भी अच्छा करना पड़ता है ना यार, तो बढ़िया भी है एक रिनाउंड भी है, ठीक है, जिसका नाम है हमारा CA चार्टेड अकाउंटेंट। आओ इसके अंदर बात करते हैं इसमें और क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहां पर यह रहेगा कि भाई हु इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, कौन होता है भाई CA, कौन होता है चार्टेड अकाउंटेंट, का काम क्या होता है, ये बंदा कौन होता है, क्या करता है ये। तो डिटेल में तो बहुत कुछ है बताने को कि भाई उसका क्या क्या काम है, बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि चार्टेड अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशनल इंसान होता है प्रोफेशन वाइज हु वर्क इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल होता है चार्टेड अकाउंटेंट का, चाहे जितनी मर्जी बड़ी एंटिटी हो, जितनी बड़ी मर्जी बड़ी फर्म हो, बिजनेस एंटिटी हो, चाहे गवर्नमेंट की एंटिटी हो, या कहीं और हमारे मिनिस्ट्रीज में भी, जहां पर भी हमारा कुछ ना कुछ कॉमर्स या पैसा या फाइनेंस का रोल प्ले होता है, तो वहां पर हमारा अकाउंटेंट जरूर होता है। कौन सा अकाउंटेंट? चार्टेड अकाउंटेंट, क्योंकि उसी की साइन की वैल्यू है यार। अकाउंटेंट तो बहुत सारे होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट एक होता है यार, ठीक है भाई। तो यहां पर इसका बहुत हमारा एक वर्क रोल रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अलग अलग सेक्टर्स में इकोनॉमी के, ठीक है, क्या करने में, मैनेजिंग द फाइनेंसेस, बजट को, फाइनेंसेस को मैनेज करने में, और साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइस भी, इससे बेटर कोई और इंसान नहीं दे सकता। इससे बेटर फाइनेंस में सबसे बड़ी डिग्री किसकी है भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेटर कोई जॉब नहीं है, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? एक प्रोफेशनल होता है जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है इकोनॉमी के, फाइनेंसिस को मैनेज करता है, बजट को कंट्रोल में लाता है, आपके खर्चों को मिनिमाइज करता है, आपको फाइनेंशियली सबसे बेस्ट हेल्प जो दे सकता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है। तो यही चीज आपको बताना जरूरी है कि आपका क्या इसमें इंटरेस्ट है भाई, कैसे बनेगा इसमें इंटरेस्ट, और बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल पावर आपके हाथ में आ जाती है कई जगहों के, लीगल टैक्सेस वगैरह सब चीजें इसमें पढ़ते हो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताऊं इसमें क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में आपने देखा होगा बहुत बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, या बहुत सारे काम धंधों से एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया था, 40% 30% या पता नहीं कितनी कितनी लोगों ने जॉब खो दी थी यार अपनी, या जॉब एक तो खो दी थी, बट जिन्होंने नहीं भी खोई थी तो उनकी सैलरी में डिडक्शन हो गई थी। लेकिन वहीं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका था, इवन लॉकडाउन तक अगर लग गया था तो इनका, फाइनेंशियल एडवाइजर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल तब भी वहां पर बहुत था। उनकी नौकरी पर ज्यादा फर्क नहीं आया था क्योंकि फाइनेंस किसने कंट्रोल करना था उस टाइम पर, इकॉनमी किसने कंट्रोल करनी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, ठीक है यार। तो ये इनका रोल बहुत बड़ा है भाई इस चीज के अंदर, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होते हैं? जो फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस का देवता एक तरीके से कह सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है यार, ठीक है। अगली चीज देखते हैं, तो अब बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट सी चीज है कि हाउ टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ CA। सीधी मुद्दे की बात यह है, पहले हमने देख लिया भाई बड़े सारे क्वेश्चंस का यहां पर जवाब देने वाले हैं। पहला आपका क्वेश्चन था कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन हो सकता है, तो वो मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, उसका क्या रोल है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड। इसके बाद हम सीधी सीधी बात करते हैं कि अगर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है तो कौन से स्टेप्स लगेंगे यार, ठीक है, यानी कि स्टेप्स फॉर द जर्नी ऑफ CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहला काम, अब यहां पर बच्चों के ना बहुत सारे छोटे छोटे डाउट रहते हैं कि यार अगर हमें 10th के बाद, अब जैसे आप 12th में हो तो आपको पता ही होगा कि आपको, अगर 12th के बाद आप ऑलरेडी एक जर्नी में घुस चुके हो, ठीक है, अब आप कॉमर्स ले चुके हो या आप ड्रीम कर चुके हो, अब आपके 12th के पेपर हो गए, अब आप उसमें कंफ्यूज हो कि कॉलेज में जाऊं या CA प्रोफेशनल में जाऊं या CS में जाऊं या और कहां जाऊं। लेकिन 10th के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अभी तो एक बेसिक डायरेक्शन भी उन्होंने नहीं ले रखी होती है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपका सपना CA बनना है, अगर आपके घर में आप देखते हो, आपको बचपन से ही बताया जाता है आपके चाचा के बारे में, ताया के बारे में, या खुद के आपके पापा या मम्मी कोई इस लाइन में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फाइनेंस की किसी लाइन में है, तो आपको सपना दिखाया जाता है, आप उनको देखते हो यार कि उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी बिजनेस में, जहां पर भी वो काम करते हैं उनकी कितनी वहां पर इज्जत है, कितनी वहां उनकी इंपॉर्टेंस है, और आपका भी वहीं से सपना बन जाता है कि मेरे को भी यही बड़े होकर बनना है। लेकिन पता नहीं होता यार कि हम कैसे उस रास्ते को फॉलो अप करें। तो सबसे पहले यार देखो, 10th के बाद हमें जो चीज जरूरी होती है वो होती है कि भाई हम ऑप्ट करें कॉमर्स स्ट्रीम को। अच्छा फेवरेबल ये रहता है कि आप मैथ्स के साथ ले तो ज्यादा बेटर है, लेकिन टेंशन मत लो, अगर आपने ये भी सोच लिया कि मेरे को मैथ्स नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तब भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए जा सकते हो विदाउट मैथ्स भी आफ्टर 10th क्लास। मेरी बात समझ गए हो? अच्छा एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स होना भी जरूरी है,
मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो साइंस फील्ड के थे ट्वेल्थ तक, लेकिन उसके बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करूंगा तो आप साइंस के बाद भी, आर्ट्स के बाद भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ सकते हो, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। अगर आप अभी, आपके पास डिसीजन लेना, अगर आपको अभी डिसीजन ले सकते हो, आपके पास वो हाथ में है अभी, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप साइंस लो और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाओ। हाँ, अब आप ट्वेल्थ क्रॉस कर चुके हो और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी बननी है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन टेंथ में अगर आप हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि वो फेवरेबल नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि आपको सारे के सारे बेसिक्स 11, 12 में तो पढ़ाए जाएंगे उसके, नहीं तो आपको उसके बाद सारे 11, 12 भी पढ़नी पड़ेगी और फिर सीए का सफर आपको शुरू करना पड़ेगा 12th के बाद। तो करने को तो एलिजिबिलिटी है कि आप कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर, आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको सीए बनने का सपना है तो ऑप्ट फॉर कॉमर्स विद मैथ्स, बट अगर मैथ्स नहीं भी लेनी तो भी आप उसमें जा सकते हो। अगर मैथ्स नहीं भी लेनी है तो भी आप इसमें जा सकते हो। मैथ्स की एक इंपॉर्टेंस ये है कि जो सीए का एक एंट्री बैरियर है, एक एग्जाम होता है जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, सीए फाउंडेशन का हमारा एग्जाम होता है, उसके अंदर हमारी बेसिक मैथ्स आती ही आती है, उसके अंदर हमारी मैथ्स की इंपॉर्टेंस रहती रहती है। तो इसलिए प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप मैथ्स लीजिए, बट एट एनी केस, इन एनी केस, कि अगर आपके पास यार मैथ्स नहीं ले सकते या बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है मैथ्स लेने का, आपने सोच रखा है, मन बना रखा है, तो कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी आप थोड़ा बहुत, हल्की बहुत मेहनत कर सीए फाउंडेशन का बस वो क्रैक कर उसके बाद आपका सफर पूरा स्मूथ हो जाएगा। मान लो आपकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पकड़ अच्छी है, पूरे कॉमर्स में, अकाउंट्स में, बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में, इनमें पकड़ आपकी अच्छी है, लेकिन मैथ्स आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है ज्यादा, मैथ्स में आपका जो है दिमाग कनेक्ट नहीं हो पाता है सब्जेक्ट के साथ, तो थोड़ा बहुत बस एंट्री बैरियर में एक पेपर क्लियर करना पड़ेगा सीए फाउंडेशन का, उसके बाद आपका जर्नी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी बाकी सबके जैसे। ठीक है यार, तो ये चीज क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना भाई, 11, 12th का सफर आपको कॉमर्स से करना पड़ेगा। 11, 12th का अगर आपको एक जो जर्नी करनी है, एक आपको अपनी जो नाव तैरानी है वो कॉमर्स की फील्ड में तैरानी बहुत जरूरी रहेगी भाई, प्रेफरेबल। इसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी आपको ICAI के अंदर। अब ये क्या है, आपको मैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताने वाला हूं अभी आगे। देखो भाई, ICAI क्या होता है भाई, देखो जितने भी बाकी हमारे कोर्सेज होते हैं, इसका सबसे एक बढ़िया मजेदार चीज बताता हूं क्या है। देखो सीए के सफर के अंदर बाकी सारे कॉलेज की डिग्री से अलग है, जैसे कि आपको बीबीए करना है, बीकॉम करना है या कोई और दूसरी डिग्री करनी है तो आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, उनके हिसाब से महंगी महंगी फीसें भरनी पड़ेंगी, फिर अगर आपको बाहर कहीं कॉलेज में जाना है तो हॉस्टल की फीस, ये सब बहुत सारे खर्चे ही खर्चे करने हैं जब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी। जब तक आपको कॉलेज की डिग्री नहीं मिलेगी तब तक आपको सिर्फ खर्चे ही खर्चे करते रहने हैं, कॉलेज में जाओ, रेगुलर क्लासेस लो उनकी तरफ से या जो भी सारी चीजें वो प्रोवाइड करेंगे। यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया का, वहां पर आपको क्या करना है, उनके साथ रजिस्टर करना है, और वो इंस्टीट्यूट क्या है, ICAI। ICAI बेटा क्या होता है, ICAI है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक इकलौता इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, जो रिस्पॉन्सिबल है इस कोर्स को चलाने के लिए। आपको एनरोलमेंट करनी है सीए के अंदर, अगर आपको मेंबर बनना है ICAI का, ठीक है, स्टूडेंट मेंबर बनना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी इसके अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। कोई कॉलेज की तरह आपको रोज वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर दाखिला करवा दिया है, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, पेपर का सेंटर, पेपर कब है, कौन सा सेंटर है, वो सब आपको डिटेल्स ऑनलाइन मिल जाएंगे आपके पास। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई, यू आर नॉट बाउंड टू गो समवेयर फिजिकली एवरीडे, आप कहीं से भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप अपने चाचा के लड़के से पढ़ सकते हो, आपके चाचा सीए हैं आप उनसे पढ़ सकते हो, अपने रिलेटिव से पढ़ सकते हो, या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको प्राइवेटली कोचिंग देते हैं, आप वहां से भी कोचिंग ले सकते हो। लेकिन इसमें भी एक चीज बेनिफिशियल है, वो आपको अभी आगे बताने वाला हूं। तो ठीक है भाई, दूसरा काम हमारा क्या रहने वाला है, अगर आपने 11, 12 की जर्नी स्मूथली कर ली है कॉमर्स की लाइन से, तो उसके बाद आपको ICAI में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा पहले, एंड और इसके बाद फिर आपकी एक सफर, आपकी नाव तैरनी शुरू करती है, किसमें, सीए के अंदर, जहां पर एक एल्गोरिथम है किसका, एग्जाम्स का, जब आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे अलग अलग स्टेजेस के। सीए में घुस गए, अब सीए का सफर शुरू होगा, जिसमें आपको एक एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मतलब प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप
स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर है जिसमें आपको अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग ग्रुप्स के आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, और वो ग्रुप्स भी कैसे हैं वो भी आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब बात करते हैं कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में और एग्जाम्स के एल्गोरिथम के बारे में कि इनकी क्या ड्यूरेशन है और क्या एल्गोरिथम है। देखो भाई जब आपका ट्वेल्थ के एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे आफ्टर ट्वेल्थ के पेपर होने के बाद रिजल्ट के दौरान कुछ ये थोड़ा टाइम बदलता रहता है, तो कुछ 4 से 6 महीने आपको मिलते हैं ट्वेल्थ के पेपर के बाद। अभी क्योंकि ये लॉकडाउन और कोरोना का टाइम था तो यहां पर थोड़े टाइमिंग्स फ्लक्चुएट हो गए, पहले ऐसा होता था 2-3 महीने बाद ही, यानी कि अगर आपके मान लो मार्च अप्रैल पेपर खत्म हुए हैं तो जून जुलाई में पेपर हो जाता था, लेकिन इस बार ही थोड़ा और डिले हो गया है, अक्टूबर नवंबर में हो गया है। तो कुछ 4 से 6 महीने के बाद आपका पहला पेपर होता है आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सीए फाउंडेशन का पेपर होता है ये। सीए फाउंडेशन का पेपर कुछ 400 मार्क्स का आपका पेपर रहता है ये, ठीक है भाई, जो क्या है आपका एक तरीके से एंट्री एग्जाम है, ये एंट्री है एक तरीके से आपकी इसमें, और कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं है यार ये, जैसे बाकी सब पेपर्स होते हैं वैसे ही एक नॉर्मल सा पेपर होता है। हाँ तैयारी व्यारी करने की तो थोड़ी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा मत समझना कि एग्जाम में जो रेशो है क्लियर होने की वो बहुत कम है, ऐसा नहीं है। आसानी से अगर आप अच्छा खासा पढ़कर गए हैं, ठीक ठाक पढ़कर तैयारी करके गए हैं, ठीक है, 12वीं में भी आपके मार्क्स ठीक ठाक आए हैं, आपको अच्छी खासी एक नॉर्मल जनरल तैयारी है सब्जेक्ट्स की, तो आप आराम से ये पेपर क्लियर कर देते हैं। अब इसमें पेपर में आता क्या क्या है, देखो भाई बिजनेस लॉ आता है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स के बारे में पूछते हैं, इको के बारे में पूछते हैं, और फिर एक सब्जेक्ट हमारा जनरल जैसे लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं वो इस पेपर के अंदर सारा का सारा आता है, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स या एसएसटी में जिसको दिक्कत है तो वो यहां पर अच्छा खेल सकते हैं, यहां पर एसएसटी वीएसटी का ज्यादा काम नहीं है यार, क्योंकि बाकी नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर आपको जीके वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं उनका दर्द समझ सकता हूं जो जीके में थोड़ा जिनका हार्ट टाइट है, अधिकतर बच्चों का रहता ही है करंट अफेयर वगैरह में, तो वो इसके अंदर नहीं है, तो ये पेपर आप इजीली अपने स्किल्स पर स्मार्टनेस से क्लियर कर सकते हो। इसके बाद सीए फाउंडेशन के बाद देखो भाई हमारा जो ये फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो रहने वाला है यार वो हमारा होता है इंटर, सीए इंटर जिसे बोलते हैं, या जिसे हम बोलते हैं सीए इंटरमीडिएट, ये हमारा स्टेज 2 रहता है यार, ठीक है। मैंने आपको स्टेजेस की बात करी थी, ये हमारा स्टेज 1 है, ये हमारा स्टेज 2 है सीए इंटर। अब इसके अंदर कुछ 8 एग्जाम्स होते हैं, ये हमारा पूरा एक ही पेपर होता है, सीए फाउंडेशन का एक ही पेपर होता है जिसके अंदर बटे हुए सेक्शंस होते हैं 4, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं 4 सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स ईच, तो टोटल 400 मार्क्स का हो गया ये। तो ये पेपर लेकिन एक ही होता है, लेकिन इंटर के अंदर आपके टोटल 8 पेपर होते हैं, 8 एग्जाम्स होते हैं जो 2 ग्रुप्स में बटे होते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप उन दोनों को इकट्ठा भी दे सकते हो दोनों ग्रुप्स को, या आप अलग अलग भी दे सकते हो, ऐसा ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, अलग अलग मतलब 2 में बांट कर दे सकते हो, पहले 4 दे दिए फिर 4 दे दिए, ठीक है। तो ये आप चाहे 9 मंथ बाद दे सकते हो, आप 9 महीने बाद आप इकट्ठे 8 के 8 एग्जाम्स दे सकते हो तैयारी करके, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 9 मंथ बाद आपने 4 एग्जाम्स दे दिए और उसके बाद आप प्लस 6 मंथ और लगा के आपने बाकी 4 एग्जाम दे दिए। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि भाई इंटर में अगर आप ठीक ठाक से आपने तैयारी कर ली है, क्योंकि बच्चों को ना यहां पर लगता है कि सीए बड़ा डिफिकल्ट है, बंदे बूढ़े हो जाते हैं सीए बनते बनते, ऐसा नहीं है यार, आपको स्मार्टली समझना पड़ेगा कि आपको जो चीज चाहिए उसके लिए आपको रास्ता कैसा चुनना पड़ेगा, तो आपको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, सब हर जगह का जाने का रास्ता अलग है। अगर आप कॉलेज के बच्चों को देखकर सीए का रास्ता वैसा चलाओगे तो ऑब्वियसली आप सीए नहीं बन पाओगे ना, अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। 7 वाले बच्चे कॉलेज के होते हैं, आपका सर्कल में कॉलेज वाले बच्चे तो होंगे ही, जिस तरीके से वो पढ़ रहे होते हैं, जिस तरीके से उनकी जिंदगी चल रही होती है, उधर वो कॉलेज भी जा रहे हैं, पार्टियां भी कर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता अलग होता है यार आपका, सीए का रास्ता थोड़ा अलग होता है, तो आपको उस रास्ते को देखना पड़ेगा। तो अगर उस रास्ते को ढंग से फॉलो करोगे तो कोई भी दिक्कत कहीं नहीं आएगी, पढ़ते रहोगे साथ साथ में होता रहेगा, थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा जरूर होता है, ठीक है भाई, लेकिन फिर वैल्यू लग्जूरियस लाइफ, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी इज्जत भी ज्यादा रहेगी, आपके हाथ में फाइनेंशियल पावर भी ज्यादा रहेगी कॉलेज वाले बच्चों से, ठीक है भाई। तो ये कोर्स की डिग्री जब आपके हाथ में लग जाती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपके लाओगे, बाकी नहीं कहलाएंगे। तो ये मानकर चल लेता हूं इंटर के लिए आपको 9 मंथ से कुछ 1.5 साल लग जाता है, 9 मंथ मान लो, या मैक्सिमम आपका 1.5 ईयर्स में आप क्लियर हो जाते हो, इससे इंटर क्रॉस कर जाते हो आप।
तो इंटर क्रॉस करने के बाद क्या है, सबसे मजेदार चीज आती है यार, सीए आपका इकलौता ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आप सिर्फ पैसे नहीं देते रहते हो। सीए आपका इकलौता ऐसा कोर्स है जिसमें आप सिर्फ पैसे देते नहीं रहते हो, आप साथ में कमाते भी हो, साथ में कमाते भी हो। यानी कि जैसे आपका इंटर क्लियर होता है आपका आधा सफर खत्म सीए का। इसके बाद आपको सीए इंटर के बाद, मैं एक स्लाइड एक्स्ट्रा ले लेता हूं, देखो भाई, तो यहां से कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर इंटर, आफ्टर सीए इंटर, आपको 3 इयर्स की आर्टिकलशिप करनी होती है। अब ये आर्टिकलशिप क्या होती है कि आपको, आर्टिकलशिप का मतलब है ट्रेनिंग करनी होती है, ट्रेनिंग अंडर अ सर्टिफाइड सीए, एक प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिशनर जिसे बोलते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, एक ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका ये 3 साल, और उस आर्टिकलशिप में आपको स्टाइपेंड मिला जाता है, और वो स्टाइपेंड इतना होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस ठीक से निकाल लोगे, खर्चा पानी आपका ठीक ठाक निकल जाएगा, आपको घर वालों से लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कॉलेज में क्या करना होता है, जब तक आपको डिग्री नहीं मिलती तब तक आपको सिर्फ पैसे ही भरने पड़ते हैं, चाहे फीस के पैसे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के पैसे हो आने जाने के, चाहे हॉस्टल के पैसे हो, चाहे इधर उधर घूमने के पैसे हो, आप सिर्फ भरते हो जब तक आपको डिग्री नहीं मिलती। ठीक है, यहां पर आप साथ में क्या करोगे, अब आपकी पढ़ाई यहां पर थोड़ी रुक जाती है, आप साथ साथ में करोगे तैयारी, लेकिन 3 साल आपको, 2.5 से 3 साल आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। यहीं पर आप काम सीखते रहते हो, प्रैक्टिकल काम सीखते हो, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल काम जो आपको करना है वो आप एक सीए के अंडर साथ में 3 साल में करते रहते हो। ठीक है, और उस 3 साल बाद, ये स्टेज 2 है, उस 3 साल बाद आपका फिर टाइम आता है स्टेज 3 का। जब आप ये आर्टिकलशिप कर लेते हो, इस 3 साल बाद आपका टाइम आता है सीए फाइनल का, और सीए फाइनल में भी वही है, सीए फाइनल के अंदर 8 एग्जाम्स होते हैं जो 2 ग्रुप्स में होते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इसमें 4 एग्जाम होते हैं और इसमें 4 एग्जाम होते हैं। आपने जैसे ये 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, 3 साल की आर्टिकलशिप आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हो, बढ़िया तरीके से काम करते करते, पढ़ाई साथ में करते करते। आप बंदे नहीं होते हो ना, आपको रोज कहीं क्लास में नहीं जाना है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अपने तरीके से तैयारी कर सकते हो, आपको पूरी स्मार्टनेस, आपको पूरी अथॉरिटी, पूरी लिबर्टी आपके हाथ में रहती है। तो ये 2 ग्रुप्स आप आर्टिकलशिप के साथ साथ में तैयारी कर सकते हो सीए की इजीली। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स आपकी मर्जी, आप दोनों साथ में दे दो, चाहे आप ऐसे 4-4 को तोड़कर ऐसे आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। और जब आपका सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर अगर हो जाता है, इसके बाद देखो भाई टोटल एक बार टाइम देख लेते हैं, कितना टाइम लगा टोटल। तो टोटल टाइम की बात करूं अगर मैं इन सबको क्लियर करने में, देखो भाई सबसे पहले हमने बात करी कि जैसे आपने आफ्टर 12th 4 से 6 महीने लगे आपको, फाउंडेशन आपका क्लियर हो गया, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद मैक्सिमम मान लेता हूं 1.5 साल भी आपने लगाया तो 2 साल हो गए, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। वैसे ये 4 से 6 महीने मैं मैक्सिमम ले रहा हूं, 6 महीने मैक्सिमम ले रहा हूं, कभी कभार 2 महीने बाद भी पेपर हो जाता है, मैं 6 महीने मैक्सिमम ले रहा हूं। तो मान लो ये 6 महीने, इसके बाद 9 महीने नहीं ले रहा हूं, 1.5 साल ले रहा हूं। मान लो आपने 1.5 साल में दिया ये इंटर, 1.5 साल बाद आपने इंटर दिया, पहला पेपर जो आपके फाउंडेशन के बाद, आप 1.5 साल सिर्फ आराम से पढ़ाई करोगे, आपने सिर्फ वो 8 एग्जाम क्लियर करने हैं 1.5 साल बाद, या 1.5 साल में 8 एग्जाम क्लियर करने हैं, आराम से कर सकते हो आप पढ़ के यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बंधे हुए हो, आपको कहीं बिजी रहना ही रहना है। ठीक है, तो 1.5 साल मान के चल रहा हूं, तो टोटल ये मिलाकर इंटर तक 2 साल हो गए, 2 साल के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी है और सीए की तैयारी करनी है जिसमें 2.5 से 3 साल लगते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो आपको बता रहा हूं वो 4.5 इयर्स तक लगते हैं, जो आप कॉलेज में भी कोई अगर प्रोफेशनल डिग्री करते हो उसमें भी लग ही जाते हैं। कॉलेज में भी अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, लॉ करते हो या कोई दूसरी प्रोफेशनल डिग्री करते हो, चाहे बीकॉम के बाद आपको अगर एमबीए करनी है तब भी आपको 5 से 6 साल लग ही जाते हैं, और उसके बाद आप नौकरी करना शुरू करते हो। ठीक है, तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप करोगे आपको इतना टाइम आराम से लगता ही है। तो सीए में क्या हुआ बना रखा है अलग से लोगों ने कि सीए नहीं होगा, सीए नहीं होगा, हो जाएगा यार, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, हो जाएगा, वही 4.5-5 साल लगते हैं। नहीं तो ये मैंने बड़ी हाइप देखी है, बड़ी अफवाह देखी है, बूढ़े हो जाते हैं लोग, बूढ़े हो जाते हैं, अरे ध्यान नहीं दोगे तो बूढ़े हो जाओगे, किसी भी चीज में बूढ़े हो जाओगे यार। ठीक है भाई, तो 4.5 से 5 साल लगते हैं टोटल टाइम अगर आपको सीए करना है, और ये हमारा यहां पर ऐसा सफर रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको, आपको मैं और भी बताऊंगा। तो यहां पर ये हमारा सफर हो गया, यानी कि कुल मिलाकर आपको पेपर कितने देने हैं, पूरे सीए कोर्स के लिए पेपर कितने देने हैं। देखो यार, एक सीए फाउंडेशन हो गया, एक पेपर ये हो गया, देखो भाई एक पेपर हमारा ये हो गया सीए फाउंडेशन का, एक पेपर ये हो गया, उसके बाद इंटर के अंदर 8 एग्जाम है, प्लस 8 9 पेपर हो गए, और प्लस
सीए फाइनल के 8 पेपर हो गए, तो टोटल हो गए आपके, टोटल एग्जाम्स अगर मैं देखूं, टोटल एग्जाम्स आपको कितने देने हैं, टोटल एग्जाम्स आपको 1+8+8 17 एग्जाम्स आपको देने हैं, और ये 17 पेपर क्लियर करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा भाई, आपके नाम के आगे जो भी आपका नाम है, मान लो मेरा नाम अगर कुणाल है तो सीए कुणाल करके बुलाया जाएगा मेरे को, सिर्फ कुणाल कोई नहीं बोलेगा यार, ठीक है भाई, आपको रिश्तेदार भी आपको क्या बोलेंगे, सीए करके बुलाएंगे भाई। तो एक वो दर्जा आपको मिल जाता है प्रोफेशनल कोर्स के बाद, ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ और प्रोफेशनल कोर्स की बात कर लेते हैं जो इससे सिमिलर है, यानी कि सीए भी कर ली है तो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जो इसके सिमिलर है, बिल्कुल सीए के जितने उतने वैल्यूएबल तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी अच्छे कोर्स हैं, जैसे कि भाई मैं आपको फिर भी वो चॉइसेस भी लेकर आया हूं कि अगर आपका एग्जैक्टली सीए में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फाइनेंस में जरूर इंटरेस्ट है, तो और भी कुछ ऐसे पोस्ट या वैकेंसीज या कोर्सेज होते हैं जो आप चूज कर सकते हो। जो देखो, एक तो मैंने पहले जो बताए थे वो अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये मैं आपको फाइनेंस की फील्ड के प्रोफेशनल कोर्स बता रहा हूं जो सीए जैसे ही होते हैं सिमिलर। सीए में आपको बहुत वास्ट नॉलेज मिलती है, उसमें इतनी नहीं मिलती है, ये थोड़े पर्टिकुलरली डायरेक्शन वाइज होते हैं। तो जैसे कि भाई सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद एक होता है सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, एक होता है सीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फिर होता है सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, फिर एक होता है CWA कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। तो ये स्पेसिफिकली कुछ कुछ फील्ड्स के अपनी पोस्ट होती हैं। सीए में आप इन सबके ऊपर होते हो, सब कुछ आपको आया होता है। तो अगर आपको ये करना है तो आप ये सीए करने के बाद भी कर सकते हो। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो सीए भी है और उसके बाद सीएस भी साथ में कर ली है। फायदा पता क्या रहता है, अगर आपने मान लो सीए कर ली, सीए कंप्लीट हो गई, तो कुछ जो थोड़ा सा ये अलग होता है ना, अब मान लो सीएस का अगर 4 साल का सफर है, सीएस में अगर टोटल 4 साल लगते हैं क्लियर करने में, तो अब अगर आप सीए करने के बाद सीएस करना चाहोगे, ये डिग्री भी चाहिए, तो आपको सिर्फ इसके अंदर 1 साल लगाना पड़ेगा। पहले 3 साल की मेहनत ही खत्म कि सीएस का फाउंडेशन, सीएस का इंटर, ये करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा आपको फाइनल के पेपर देने हैं। सीएस में आपको कुछ 4 से 8 पेपर देने हैं और सीधा आपका सीएस 1 साल के अंदर कंप्लीट, या कोई भी दूसरा हो, ये सिर्फ 6 महीने 1 साल 1.5 साल इतना लगाना पड़ेगा, आपका ये सारी डिग्रीज भी आपके हाथ में आती जाएंगी अगर आपने सीए कर लिया। तो आपको पूरा पूरा कोर्स दोबारा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरी कॉलेज की डिग्री होगी, मान लो बीकॉम कर रखी है आपने या कोई और कर रखा है, अगर आपको दूसरा कोर्स करना है तो वो पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। सीए का आपको ये फायदा है, और सीए का आपको बता दूं, जो इंडिया का एक सीए होता है उसकी पूरे वर्ल्ड में बहुत वैल्यू होती है, वो कहीं भी जाकर प्रैक्टिस कर सकता है बहुत कम एग्जाम्स क्लियर करने के बाद, क्योंकि ऐसा माना जाता है सीए का जो होता है हमारा रुतबा इंडियन सीए का, उसको बहुत नॉलेज होती है ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी वैसी होती है। ठीक है यार, समझ में आ गया सबको ये वाली चीज। तो अब सबसे मजेदार क्वेश्चन पे आते हैं यार, सबसे मजेदार क्वेश्चन जो अब आज का होने वाला है वो ये है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर द कोर्स। फाइनेंशियल बात करते हैं, पैसे की, किसकी, पैसे की। आपको सपोज अगर आपको IIM में जाना है, कॉमर्स लाइन में या कहीं कॉलेज में जाना है, एक बंधी बंधाई फीस होगी यार, वो बोलेगा इतनी फीस चाहिए हमें पर सेमेस्टर, 50,000 पर सेमेस्टर, लाख रुपए। गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, लेकिन सीए जो एक कोर्स है उसके अंदर आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा पूरे कोर्स के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। क्या फाइनेंशियली भी ये अच्छा वो रहेगा कि नहीं रहेगा। नॉलेज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इतने सारे फायदे मैंने आपको पहले बता ही दिए, लेकिन अब बात करते हैं पैसे की, कि पैसा आपको कितना भरना पड़ेगा अगर आपको सीए करना है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जब आप बिगिन करते हो, आप ICAI में एनरोलमेंट कराते हो, और वहां से लेकर ICAI के अंदर जो एनरोलमेंट की रजिस्ट्रेशन फीस है, और वहां से लेकर चाहे सीए फाउंडेशन हो, चाहे आपका इंटर का एग्जाम्स का हो, और चाहे आपका फाइनल का हो, इन सबकी फीस जो ICAI आपसे चार्ज करता है, वो पूरे कोर्स की 4-5 साल की, वो कुल मिलाकर आपको टोटल पड़ती है कुछ 45,000 से लेकर 55,000, एवरेज ले लो 50,000 रुपए पूरे कोर्स की फीस बता रहा हूं आपको मैं, पूरे कोर्स की फीस, स्टडी मटेरियल वगैरह सब मिलाकर जो ICAI आपसे चार्ज करता है वो इतनी होती है पूरे कोर्स की फीस, इंटर से, फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक की।
अब इसके अलावा अब बच्चे कहेंगे सर पढ़ाई करने के लिए हम कोचिंग वोचिंग हर कोई जाता ही जाता है। मान लो आपने कोचिंग वोचिंग भी ज्वाइन करी तो हद मारकर अगर आपकी इसमें कोचिंग फीस भी ऐड कर दूं पूरे कोर्स की सीए फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक की जो एक एवरेज बच्चा, अब आप चाहे ज्यादा ले रहे हो ज्यादा कोचिंग आपको हर उसकी चाहिए या डबल बार रिपीट करनी पड़ रही है, तो मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से ले रहा हूं तो कुल मिलाकर हद मार के, वैसे तो यार ये 1,20,000 से 1.5 लाख में हो जाना चाहिए बट मैं मैक्सिमम में ले रहा हूं तो मैक्सिमम मान लो 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं लगनी चाहिए यार पूरे कोर्स में कह रहा हूं, चाहे आप फाउंडेशन स्टेज पे हो चाहे आप इंटर स्टेज पे हो चाहे आप फाइनल के स्टेज पे हो, 2 लाख से ज्यादा फीस नहीं लग सकती यार। तो टोटल कितना हो गया यार, मतलब कुल मिलाकर इससे इसमें भी थोड़ा एडिशन कर देता हूं तो कुल मिलाकर टोटल एक्सपेंसेस आपके जो सीए बनने में लगेंगे वो कुछ 3 लाख से 4 लाख बस, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ये देखो ना भाई 2 लाख ये ले लिया मैक्सिमम ले लिया 2 लाख और इसमें 50,000 और जोड़ लिया, मैं कह रहा हूं इस दौरान थोड़े बहुत और खर्चे भी अगर आपके हो जाते हैं कहीं ना कहीं वो फालतू खर्चा का भाई एक पिटारा लेकर चलता हूं तो भी आपका 3 लाख, यार 4 लाख तो मैं बहुत ज्यादा ही चला गया, इसको मैं 2.5 से 3 लाख लिखूं तो ज्यादा बेटर है यार, इसको मैं 2.5 से 3 लाख लिखूं ज्यादा बेटर है, 2.5 लाख से 3 लाख, इससे ज्यादा पैसे नहीं लगते आपके यार, इससे ज्यादा पैसे लग ही नहीं सकते आपके, ठीक है यार, क्लियर है सबको ये बात समझ में आ गई। तो आई होप यहां पर सारी चीजें आपको ढंग से समझ में आई होगी। और सबसे बढ़िया एक पॉइंट और बताता हूं आपको सीए के सफर के अंदर, सबसे बढ़िया पॉइंट जो एक है यहां पर नो रिजर्वेशन है यार, ये इकलौता ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जहां पर आपकी रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन पे नहीं चलता यार यहां पर, यहां पर ओनली मेरिट चलता है, यहां पर सिलेक्शन किस पर होता है भाई, सिलेक्शन होता है आपका ओनली मेरिट पर, मेरिट पर चलते हो आप मेरिट पर, कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है भाई। आई होप जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी है आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है भाई, पसंद आया होगा आपको, ठीक है भाई। सो थैंक यू, और सीए का सफर आपका अच्छा रहे, आप अच्छे से करें, आप बड़ा सोच समझ कर अपना डिसीजन लें कि आपको सीए में जाना है तो क्यों जाना है, और अगर जाना है तो क्या रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, आपको वो पता होना चाहिए। डिटेल्स जो बतानी थी वो हमारा काम था आपको गाइड करना, वो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। सो थैंक यू एवरीवन।